दोस्तों आज हम बात करने वाले के ऐसे प्लान की जो बहुत ही छोटा है, 10 बाई 10, मात्र 10 बाई 10 में आप कैसे अपना फुल हाउस बना सकते हैं, सभी चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे वो बाथरूम हो, स्टेयर्स हो, लेटिंग्स हो, रूम्स हो। वो बहुत ही मॉडल छोटा होता है, 10 बाई 10 के रूम्स होते हैं, वो भी बहुत ही छोटा रूम होता है, लेकिन उसी में पूरा मकान मैंने डिजाइन करके आपको दिया है। जैसा कि आप हमारा ही फ्रंट पर, आप स्क्रीन पर ये पूरा मॉडल देख पा रहे होगे, और बहुत बेहतरीन सा डिजाइन है मात्र 10 बाई 10 में। तो बने इस वीडियो में, आपको इस मॉडल में आपको नीचे एक दुकान भी मिलेगा, कमरा भी मिलेगा पूरे मकान में, और आपको लेटरिंग भी मिलेगा, बाथरूम भी मिलेगा, किचन भी मिलेगा, स्टेयर्स भी मिलेगी, सारी चीज़ों की व्यवस्था है इस मात्र 10 बाई 10 के हाउस प्लान में। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। मॉडल बहुत ही छोटा है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि मुझे 10 बाई 10 में एक फुल मकान चाहिए। तो कैसे, आप के पास अगर जगह मात्र 10 फिट है और 10 फिट ही चौड़ा है, तो कैसे आप अपना फुल हाउस वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, एक फैमिली को कैसे रख सकते हैं। तो बने स्टूडियो में लगातार मैं हूँ पवन छागड़े, और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस बटन पर क्लिक करके, और रेड कलर का बटन आता है सब्सक्राइब पर, इसे क्लिक कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, इससे मेरे आप वीडियो को हमेशा वॉच करते रहें ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई मॉडल लेकर आऊँगा तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उससे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलो पूरा डिस्कस कर लेते हैं मॉडल जो 10 बाई 10 का है। तो ये फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट से भी 10 फिट है और लंबाई भी इसकी 10 फिट है, और यहाँ पर स्टेयर्स दिया है, और 3 साइड क्लोज मकान है ये। अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में सबसे पहले आप ये देख पा रहे हो कि ये मेन डोर है इसका, ऊपर उसके विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए, और ये एक शॉप है, दुकान है, मैंने फ्रंट में दुकान डिजाइन किया है। तो अगर हम इसके फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर ले चलें आपको ग्राउंड फ्लोर पर, तो ये देखिए कि इसका ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे आप स्टेयर्स है, स्टेयर्स के माध्यम से इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करते हैं सबसे पहले आपको जीना मिल जाता है मात्र 3 फिट में, 1.5 फिट में। 1.5 फिट चढ़ने के लिए आपको अंदर से चढ़ना होगा और रिटर्न आना होगा। एल साइज का ये है आपका जीना, 1.5 फिट जाने का, 1.5 फिट आने का, मतलब बहुत ही कम पतला सिर्फ आप चढ़ सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो टोटल जीना का जो साइज होगा 3 फिट चौड़ा लगभग में, और ये मैंने कुछ पीछे स्पेस छोड़ दिया है, इसमें आप लेटरिंग आप अपना बना सकते हैं, या पीछे जो देख रहे होंगे ये आप मेन गेट है, उसी के फ्रंट पर आपको जीना मिल जाता है, मतलब स्टेयर्स मिल जाती हैं, और पीछे आपको लेटरिंग मिल जाता है, और ये आपकी दुकान मिल जाती है, और नीचे कुछ डिज़ाइन नहीं हो पाएगा, ना तो बाथरूम यहाँ बन पाएगा, ना आपका किचन बन पाएगा, क्योंकि जगह बहुत ही कम है। इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को ऊपर आपको एडजस्ट करके बताता हूँ। तो ये तो इसका हो गया ग्राउंड फ्लोर की बात, नीचे वाले फ्लोर की, जिसमें आपको एक दुकान मिल जाती है। अगर इसका दोस्तों एग्जैक्ट साइज आपको जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आप सारे मॉडल्स देखिएगा, जूम करके देख सकते हैं, ये देखिएगा कितना बाई कितने का बना है। यहाँ पर इस मॉडल को आप मात्र 99 रुपीज़ में परचेज करके इसका 2D इमेजेस, 3D इमेजेस और विथ डायमेंशन विथ एक्यूरेट साइज आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइएगा और 99 रुपीज़ में मॉडल परचेज कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें इसका 2D डायग्राम, 3D डायग्राम सब उसमें आपको एक जिप फाइल मिलेगी, उसमें आपका एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सारे फोटो इमेजेस आपको मिल जाते हैं, जिसको देखकर आप इसे बनवा सकते हैं एग्जैक्ट साइज। अब अगर हम बात करेंगे तो इस ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर में ये जो आप लंबा से देख रहे हैं ये डिजाइनिंग का पार्ट है, इसको आप लीव करें। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर चढ़कर आएंगे तो बिल्कुल सेम वही है जो आपका दुकान था, वो अब आपका बन जाएगा बेडरूम, एक रूम छोटा सा, और जो आपका नीचे लेटरिंग था वो आप यहाँ पर बन जाएगा आपका बाथरूम। लेकिन अभी आपका किचन नहीं बन पाया, तो किचन दोस्तों यहाँ पर बन भी नहीं पाएगा। अगर आप एक फ्लोर और बनवाएं, उसमें डायरेक्ट किचन बनवाएं, तो बात की बात है, अन्यथा आप इस रूम है जो आपका जो छोटा सा रूम, इसी में आपको किचन एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह आपके पास नहीं है। तो अगर आप किचन बनवाना चाहते इस फ्लोर पर, लास्ट वाले फ्लोर पर किचन आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी भागा दौड़ी हो जाती है। अगर मकान में लगातार आपको ऊपर चढ़ना होगा, किचन कुछ खाने जाना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, लेटरिंग जाना तो नीचे जाना पड़ेगा, नहाना है तो बीच में जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में भी रखना होता है कि अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो आप उसे किचन को ऊपर ना बना के इस रूम में ही एडजस्ट कर लें, फिलहाल वो डिपेंड करता है आप पर। तो
अब लास्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो लास्ट फ्लोर आप ये ऐसा देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ डिज़ाइन नहीं किया, बस स्टेयर्स को ढक दिया है जिससे बरसात में कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आप यहाँ से आए अंदर। तो ये आपका एक वही जो रूम था वही आपका एक छत बन जाएगा। और फ्रंट से ये डिजाइनिंग का पार्ट मैंने ग्लासेस लगा दिए हैं, आपका जो स्टेयर्स गया उसी को ढक दिया, उसी में ग्लास लगा दिए, इसमें आपका ये मॉडल और भी बेहतरीन लगने लगता है। और ये आपकी बाउंड्री है जो आप देख पा रहे हो। तो ये मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको मॉडल पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।